लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। वह भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अच्छा नारद जी, आज तो बता दो कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी गिर पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिल जाएगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो भी उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई किसी भी व्रत की पूरी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो भी उस व्रत का फल तुमको मिल जाएगा। और उसी दिन से हर व्रत की कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।